मलबार हिलवरचा हा आहे सुप्रसिद्ध मेहरांगीर बंगला. भारतीय अणु कार्यक्रमाचे जनक होमी जहांगीर भाभा यांचा वारसा जपणारा बंगला. 18 जून 2014 रोजी हा बंगला 372 कोटी रुपयांना लिलावात काढण्यात आला. मात्र या ऐतिहासिक वास्तूवर लवकरच हातोडा पडणार आहे. भाभा एटॉमिक सेंटर के लोग ये चाहते हैं कि होमी जहांगीर भाभा जिस इमारत में रहते थे, जहां उनका पहला ऑफिस था, जहां कई ऐसी यादें जुड़ी हुई हैं जो भारतीय एटॉमिक एनर्जी के जनक के रूप में, इसलिए इस इमारत को राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया जाए. सरकार भी इस पर कदम उठा पाई रही थी, लेकिन अब तक ये संभव नहीं हो सका. लिहाजा नए मालिक ने इस इमारत को तोड़कर यहाँ 7 मंजिला इमारत निर्माण करने का फैसला ले लिया है. ब्रिटिश काळात हा बंगला बांधण्यात आला होता. आई मेहरबाई आणि वडील जहांगीर यांची आठवण जपण्यासाठी होमी भाभा यांनी मोठ्या आवडीनं या बंगल्याचं मेहरांगीर असं नाव ठेवलं होतं. 1966 मध्ये डॉक्टर भाभा यांचा विमान दुर्घटनेत मृत्यू झाला. त्यानंतर त्यांचे भाऊ जमशेद यांच्याकडे बंगल्याची मालकी आली. कलाप्रेमी जमशेद यांनी म्युझियमसाठी हा बंगला NCPAला दान केला. भाभांचा वारसा जपणाऱ्या या बंगल्यात म्युझियम व्हावं अशी भाभा अणुसंशोधन केंद्राच्या कर्मचाऱ्यांची इच्छा होती. त्यासाठी न्यायालयीन लढाई देखील लढली गेली. मॉन्युमेंट ऍक्ट, पुरातन वास्तू कायदा, इसको बैठता है क्या देखो, कलम 4 के अन्वय अगर बैठता है तो रिजनेबल टाइम में उसको डिक्लेरेशन करो पुरातन वास्तु करके, तो वो संरक्षित हो जाएगा. तो उसके लिए हम लोगों ने प्रयास कर रहे हैं. मैं इस उम्मीद पे रही कि हमारी सरकार संवेदनशील है. अगर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का प्रदेश में स्थित प्रॉपर्टी अगर हमारी सरकार अपने पास ले सकती है, तो हमारे पास जो अपने युग पुरुष राष्ट्र पुरुष की मालमत्ता है, उसका बिजनेस नहीं करेगी और उसको जतन करके उसका मॉन्यूमेंट बनाएगी. मात्र करोड़ों रुपयांसाठी हा बंगला अखेर लिलावात विकला गेला. या ठिकाणी आता 7 मजली इमारत उभी राहणार आहे. इस मामले पे आखिर ये डिसीजन हो गया है, तोड़ने का परमिशन भी दे दिया गया है. वो हम लोग को मालूम ही नहीं कुछ. तो आप किस लिए वहाँ गए थे अभी फिलहाल? वो फांदी गिरा था इसलिए गया था मैं. क्या ये कंप्लेन किया गया था कि यहाँ ये तोड़ा जा रहा है वगैरह वगैरह? आता हा बंगला शेवटच्या घटका मोजतोय. बंगला पाडण्याचं काम सुरू झालंय. एक इतिहास आपल्या डोळ्या देखत उद्ध्वस्त होतोय. राजीव रंजन सह कविता शर्मा, झी मीडिया, मुंबई. झी 24 तास, रहा एक पाऊल पुढे.